वाटड़ा पुलिस थाना क्षेत्र में घटी विनय भंग की घटना का खुलासा हो चुका है, जहां अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, उसी अपराधी ने अपना गुना कबूल कर लिया है, जिससे इस मामले की गुत्थी सुलझ चुकी है और साथ ही साथ आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दरअसल मामला ऐसा है कि महिला प्रतिदिन उपदेश हेतु बिहार जाती थी। रोज की तरह वह घटना की शाम 7:30 बजे के दौरान बिहार से घर लौट रही थी और इसी बीच किसी अनजान व्यक्ति ने उसके मुंह को दबोचकर झाड़ियों के पीछे घसीटा और जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा, जिसका प्रतिकार करते हुए महिला ने आरोपी पर नाखून से वार किया और प्रतिकार करते हुए महिला ने शोर मचाया। इसी दौरान आरोपी भाग खड़ा हुआ, जिसके बाद पीड़ित महिला ने वाठोड़ा पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसका संज्ञान लेते हुए वाठोड़ा पुलिस थाना द्वारा आगे की जांच की गई, जिसके बाद अपराधी की खोजबीन के दौरान पता चला कि काम के उद्देश्य से नागपुर आया हुआ 27 वर्षीय युवक आरोपी रकुलाल मड़ावी को सीसीटीवी कैमरे में पाया गया, जिसके बाद स्थानीय जनता से पूछताछ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जहाँ आरोपी ने अपना गुना कबूल कर लिया। शाम को 7:30 बजे एक लेडीज 36 ईयर ओल्ड, वो बौद्ध विहार से अपने घर जा रही थी, तो रास्ते में एक आदमी ने उसका मुंह दबाया और जबरदस्ती करने की कोशिश की। उसने उस वारदात में वो लेडी ने उसको डिफेंस किया और उसका डिफेंस देख के आरोपी निकल गया। आरोपी को भी चोट हुई लगी थी। ऐसा गुना पुलिस स्टेशन वाठोड़ा यहाँ पे दर्ज होने के बाद 354 IPC दर्ज होने के बाद हमने बाजू के CCTV चेक करना शुरू किया और कुछ लोकल आधार पर हमने कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, तो हमको कल एक संदिग्ध आरोपी एक मिला, जिसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बॉडी स्ट्रक्चर फिरियादी ने हमें जैसा बताया वैसा ही था। हमको उस पर शक हुआ, हमने उससे पूछताछ की तो उसने वो कबूल किया है कि वो जो वारदात की वो उसने ही की थी। इसमें मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, आपने मेरे को जो क्वेश्चन पूछा उसमें आपने बोला था कि चाकू कहाँ से लाया था, तो इसमें चाकू का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हुआ है। उसने हाथ से ही लेडी का मुंह दबाया था और आँख पर भी हाथ रखने की कोशिश की थी। उसमें हमने आरोपी को कल रात को अरेस्ट किया है, आगे की तहकीकात जारी है। हमारे जो इन्वेस्टिगेशन टीम है, डिटेक्शन ब्रांच के लोग हैं, उनको हमारे DCP विजयकांत सागर सर, ACP सर, ACP बिरादार सर, उन्होंने ब्रीफ किया था और उन्होंने आरोपी तक कैसे पहुंचाया जा सके इसके लिए कुछ हमें गाइडलाइन दी थी, हमने वो गाइडलाइन फॉलो की और हम आरोपी तक पहुंच गए। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।